हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं अमिता आप सभी का स्वागत करती हूँ रूही मॉम पे। तो आप रूही मॉम चैनल पे आ चुके हैं और आप देखने जा रहे हैं एक फेयरवेल ब्लॉग जिसमें खुशी भी है, गम भी है, कुछ यादें हैं, कुछ नया चीज़ होने वाली है, कुछ पुराने चीज़ छूटने वाले हैं। तो फेयरवेल में अक्सर ऐसा होता है, जब मैं कॉलेज टाइम में थी तो मेरे हॉस्टल में ना फेयरवेल हुआ था दीदी का, तो बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो गई थी और वो दिन हमें अभी भी याद है। और फेयरवेल का दिन जो होता है ना, उसमें आप जिसको विदा करना चाहते हो ना, उसके साथ आप ऐसा मतलब व्यवहार करना चाहते हो कि वो खुश भी हो जाए और मन में ना दुख भी रहता है कि वो हमसे दूर जा रही हैं। तो खुशी और गम दोनों का संगम जो होता है वो फेयरवेल होता है आई थिंक। तो हमें लगता है इन दिनों को ना उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाना चाहिए। तो आज का दिन है उन दो भाभी के नाम जिनका ट्रांसफ़र हो चुका है और उनका ही फेयरवेल है आज। तो हम लोग सुबह सुबह आ चुके हैं डेकोरेशन के लिए। सबसे पहले ना एक रूम को, हम लोग हॉल टाइप का रूम है उसको हम लोग डेकोरेट करने वाले हैं, जिसमें आपने किट्टी वाले ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग यहाँ पे किट्टी करते हैं या फिर कोई भी फंक्शन होता तो यहीं पर करते हैं। शाम 4 बजे का टाइम रहता है हम लोग को कोई भी फंक्शन करने के लिए, तो ये सबसे बेटर टाइम रहता है। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं। रूही को देखिए, मरून वाली फ्रॉक पसंद आई तो उसको मैंने ये वाली पहनाया है, और मुझे पहनना था गाउन लेकिन वो नहीं हो पाया, तो ये जैकेट स्टाइल एक गाउन है, ये भी एक प्रकार का गाउन ही है, तो मैंने ये पहना है। तो हम दोनों का प्लान था पहले से कि मैचिंग पहनेंगे, लेकिन किसी कारणवश हो नहीं पाया, लेकिन नेल पेंट मैचिंग हो गया। ये देखिए मैंने और रूही ने लगाया है नेल पेंट प्यारा सा। और जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना तो रूही का बहुत मन रहता है आप सभी से बात करने का, तो वो मुझे बोलती रहती है कि मम्मा मुझे भी बात करनी है। तो बस आप सबसे बात किए जा रही है रूही और मैं दोनों, लेकिन वो वॉइस मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक भी आ रहे थे बहुत ज़्यादा गाने की, सॉन्ग की, तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी इसलिए। और अब देखिए, अब हम लोग ना इकट्ठे होंगे यहीं पर घर के सामने ही और फिर साथ में सब चलेंगे। बच्चों के साथ मैंने रील्स भी बनाया है। रील्स आपने इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप कर लीजिए, इंस्टाग्राम मेरा है रूही मॉम के नाम से ही है, तो आप इंस्टाग्राम पे अगर हो तो मुझे फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि वहाँ पे हम अपने खट्टे मीठे यादें कॉमेडी टाइप का वीडियो रील्स बना के डालते रहते हैं और रूही की नटखटपन वहाँ देखने के आप सभी को मिलेगी। तो आप फॉलो कर लीजिए फटाफट। और आ गई है हमारी भाभी जिनका आज फेयरवेल है। कितनी प्यारी लग रही है, लुक एट दिस, ये आप देख सकते हैं। उन्होंने ना पिच कलर का पहना है ड्रेस, इन्होंने बनवाया है ड्रेस, और बनवाया हुआ ड्रेस ना फ्रेंड्स रेडीमेड से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ना आपके बॉडी के अकॉर्डिंग वो बना होता है। तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है जब आप बनवाते हो ड्रेस को। तो और भाभी जो साड़ी पहनी हुई ना, उनका दोनों का आज फेयरवेल है। तो आज ना
थोड़ा सा दिल में हलचल से भी है कि पता नहीं क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि आज का दिन ना बहुत ज़्यादा इमोशनल फुल रहता है। सबके मन में बहुत कुछ चलते रहता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। आई होप अगर आप फेयरवेल किसी का किए होंगे तो आपको पता चल रही होंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बहुत सारी यादें इकट्ठी हो जाती है एकदम से, समुद्र में जैसे लहर आते रहते उस तरह से हलचल मची रहती है सबके दिलों में। तो मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता आज के दिन का। लेकिन वही होता है कि सेंट्रल लेवल के जॉब में ये चीज़ तो माइंड में हमेशा सेट रहनी चाहिए कि ट्रांसफ़र आज ना कल तो होना ही है। तो गवर्नमेंट जॉब का तो रूल ही है कि आपका ट्रांसफ़र होगा ही। और ये है हमारी प्यारे से जपनीत को, तो आपने देखा होगा ना। और जपनीत है पंजाबी कुड़ी और जो भांगड़ा करते हुए आ रही है, ये आप देख सकते हैं। और इनका अपना पर्सनल स्टाइल है इस टाइप का, तो बहुत ही प्यारी लग रही है भाभी। आज तो उनको देख का ही मन कर रहा था। और ये है हमारी भाभी नीलम भाभी, और इन दोनों का ना फेयरवेल होने वाला है। और आई होप कि इन दोनों को ना हम लोग का डेकोरेट किया हुआ रूम पसंद आए। तो देखते हैं क्या कुछ खास होता है। तो सबसे पहले ना, जिनका भी फेयरवेल होता है या फिर कोई भी पार्टी, फेयरवेल नहीं कोई भी पार्टी होती है ना, तो हम लोग आपस पे एक दूसरे को तिलक लगाते हैं। सिंदूर जो सुहागी निशानी होती है वो हम लोग एक दूसरे को लगाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये महिला समिति ग्रुप है हम लोग का। तो जो भारतीय नारी का श्रृंगार होता है तो सबसे पहले हम लोग वो करते हैं, तो एक दूसरे को आरती करते हैं। और जिनका फेयरवेल है उनको सबसे पहले किया जाता है, स्पेशल डे है उनके लिए बहुत ज़्यादा, तो उनका सबसे पहले होगा। फिर हम लोग बारी बारी एक दूसरे को सिंदूर का तिलक लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे। और ये है हम लोग का महिला समिति ग्रुप। और हम सब जब इकट्ठा होते हैं ना तो महिला शक्ति वाला पावर जो होता है ना वो जाग उठती है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि एक लेडीज़ में जितना पावर होता है ना, जितनी पावरफुल एक लेडीज़ होती है वो उतना पावरफुल कोई नहीं होता है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैठे हम सब साथ में और कुछ बातें किए, कुछ यादें जो पुरानी वाली थी वो उसको ताज़ा किया, कुछ अभी अभी नया करेंटली यादें बनाई और बस खट्टी मीठी यादें एक दूसरे से शेयर किया। घर में अगर आप ब्लॉग बनाते हो ना तब तो सही है, लेकिन बाहर ना हर चीज़ रिकॉर्ड करना ना बहुत मुश्किल होता है, जस्ट बिकॉज कि आप उस पल को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो मैंने भी हर चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, जैसे कि हमने बीच बीच में कुछ कुछ खाया पिया भी और बीच बीच में कुछ कुछ इंजॉय भी किया, तो वो सारी चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे उस पल को थोड़ा सा जीना भी था। एंटरटेनमेंट के बाद हम लोग का हुआ गिफ्ट देने वाला कार्यक्रम शुरू, ये देखिए। और हमने भाभी को, हम सभी ने मिलके, जितनी भी महिला समिति की लेडीज़ हैं, हम सभी ने मिलके भाभी को एक खूबसूरत सा तोहफा दिया। वो वीडियो के लास्ट में दिखाया जाएगा कि उस डब्बे में, उस तोहफे में क्या है और हमने क्या गिफ्ट किया है दोनों भाभीयों को। और मैं हूँ एक एंकर बनी हुई क्योंकि कल्चरल प्रोग्राम की में मुझे बहुत अच्छा लगता है। कल्चरल प्रोग्राम अगर फैमिली पार्टी में हो या फिर हम लोग का ग्रुप का पार्टी हो या फिर घर की छोटी मोटी पार्टी हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे आता नहीं है प्रोफेशनली, मैं नहीं जानती हूँ कि एंकरिंग किसको बोलते हैं, लेकिन कोशिश करती हूँ मैं थोड़ा बहुत एंकरिंग करने की, बोलने की। और मैं, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहना चाहिए, तो मुझे जो पसंद है ना मैं उस पर फोकस करना चाहती हूँ हमेशा। तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा मौका मिला एंकरिंग करने की, तो मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये देखिए खूबसूरत सा गिफ्ट जो हमारे पंजाबी कुरी हरप्रीत भाभी को मिली है हम लोग की तरफ से, तो ये देखिए अब क्या है सो अब थोड़ा सा वेट करने के बाद ही पता चलेगी। Thank you.
तो हम लोग ना डिसाइड किए कि दोनों भाभी को नज़र में रखते हुए, उनकी नापसंद पसंद चीज़ों को याद करते हुए, हमने ऐसा चीज़ उनको गिफ्ट किया है जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई। बीच में हम लोगों ने डांस भी किया, ग्रुप डांस भी हुआ, सोलो डांस भी हुआ, और बहुत ज़्यादा मस्ती किया, धूम मचाया। क्योंकि आज का जो विदाई का दिन है ना, वो हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसे विदा हो के जाए और ऐसा उनका बोरिंग दिन बन जाए जो वो हमेशा के लिए याद रख जाए। तो हम लोग हमेशा से ही चाहते थे कि आज के दिन को ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरटेनमेंट से भरा हुआ बनाया जाए, और वो ऐसा हुआ भी। तो हम लोग का ये फेयरवेल पार्टी बहुत अच्छा रहा, और अभी रात की 8:30 हो चुकी है, और इस टाइम हम लोग डिनर के लिए आए हैं गेस्ट हाउस में, और हम लोग यहाँ पर डिनर करेंगे। बस आज का वीडियो इतना ही तक था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप किट्टी वाले ब्लॉग देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगी, आप वहीं पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, और हमारे किट्टी का ब्लॉग आते रहेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो अपने फ़ोन का सब्सक्राइब वाला बटन ऑन करने के बाद भी नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना।